उत्तराखंड सरकार ने 3 साल पूरा होने पर सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री अपने अपने विभागों से संबंधित उपलब्धियों और भावी रणनीति पर देंगे 15-15 मिनट का संबोधन। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होगा मंथन, 2 बजे से 3 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पर होगा लंच, 3 बजे से गढ़वाल मंडल के जनपदों आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी साथ। अजीत, किस तरीके का ये एक तरीके से देखा जाए तो क्या जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने विकास कार्यों की समीक्षा करना चाहते हैं इसके तहत? बिल्कुल अभिषेक, जो कि बड़ा कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री आवास में शुरू होने जा रहा है जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। देखिए, बड़ा कार्यक्रम है और जिस तरह से 18 मार्च को उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार अपने 3 साल पूरे कर रही है तो ऐसे में पुराने कार्यों की समीक्षा और अगले 2 साल की भावी योजनाओं पर यहाँ पर चर्चा होगी। और जिस तरह का अभी जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है, सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद 15-15 मिनट हर एक कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को दिया जाएगा जिसमें वो अपने विभागों की पिछली घोषणाओं योजनाओं का खाका सामने रखेंगे, किस तरह से काम किए गए और भविष्य में क्या उनकी रणनीति है कार्य को लेकर, विकास योजनाओं को लेकर वो सामने रखेंगे। इसके बाद का जो समय होगा वो कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों का होगा जहां पर जनपदवार समीक्षा की जाएगी कुमाऊं के जो 6 जिले हैं और 2 से 3 बजे तक लंच का कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री आवास पर ही होगा और 3 बजे से कंटिन्यू जो समीक्षा होगी वो गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों की होगी और अंत में जो होगा वो मुख्य सचिव का संबोधन होगा जिसमें तमाम जो मंत्री और तमाम विधायकों ने जो अपनी बातें रखी हैं उनके पॉइंट्स वो नोट करके सबको संबोधित करेंगे और जो बिल्कुल समापन कार्यक्रम है अंत में वो मुख्यमंत्री का होगा संबोधन कार्यक्रम, जिसका इंतजार सभी को रहेगा कि मुख्यमंत्री क्या कुछ नई योजनाएं लेकर सामने आते हैं या पिछली योजनाओं की अगर बात की जाए पिछले 3 साल के कार्यकाल की तो उसमें कितनी घोषणाएं थी, कितनी पूरी हुई, क्या कुछ योजनाएं धरातल पर उतरी, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मुख्यमंत्री आवास में सामने आएंगी। जी अजीत, वहीं देखा जाए जिस प्रकार से सीएम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, वहीं बजट पेश होना है तो बजट के लिए भी आम जनता की राय ली गई, अब ऐसे में सभी जो विभाग के मंत्री हैं उनका ये संबोधन है, तो ऐसे में क्या जो चुनाव आने वाले हैं अगले 2 सालों में उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये सब कर रही है कि जनता इससे सरकार की नीतियों पर सवाल ना खड़े करे कि सरकार एक अग्रदित है जनता को लेकर? बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है और कुछ ही समय बाद सीधे तौर पर चुनावी मैदान में भी सरकार को उतरना होगा, 1 साल अब और बचा है सरकार के पास विकास कार्यों को लेकर और लास्ट का जो 1 साल होता है वो सीधे तौर पर चुनावी बोर्ड में कहा जाता है। अब सरकार अपने कार्यों की पिछले जो तमाम घोषणाएं थी, जो योजनाएं थी, उनको कितना अमली जावा पहनाई है उसकी समीक्षा की जाएगी, इसके बाद जो अगले 2 सालों का खाका होगा वो सामने रखा जाएगा। और बड़ी बात एक और है अभिषेक, जिसमें निकलकर सामने आई है कि सरकार का जो भाजपा का 2017 का घोषणा पत्र था विधानसभा चुनाव का, उसमें कितनी घोषणाएं पूरी की गई है इसको भी सामने रखा जाएगा, इसको लेकर भी फीडबैक दिया जाएगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो मंथन कार्यक्रम में भाजपा सरकार के मंत्री और विधायक एक दूसरे पर जो तमाम योजनाओं की बातें हैं वो साझा करने का काम करेंगे, विधायकों की अगर कोई नाराजगी कोई समस्या है तो वो भी एक मंच पर साझा की जाएंगी और मंत्रियों के पास क्या कुछ योजना है या क्या कुछ आगे का वो मैप लेकर चल रहे हैं वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो मंथन कार्यक्रम में सामने आएंगी। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।